नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच बागी विधायकों के मामले में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही स्पीकर ने याचिका वापस ले ली है। स्पीकर की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये जानकारी दी और अब कांग्रेस राजस्थान में सियासत की लड़ाई अदालत में नहीं लड़ेगी, बल्कि अब राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी। राजस्थान विधानसभा सत्र को लेकर आमने सामने हुए गहलोत सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। राजभवन ने राज्य सरकार की सत्र आहूत करने संबंधी फाइल लौटा दी है। राजभवन ने संसदीय कार्य विभाग को वापस भेजी फाइल में सरकार से कुछ जानकारियां मांगी है। नतीजन अभी तक विधानसभा सत्र बुलाने पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब राज्य सरकार को राजभवन की ओर से मांगी गई जानकारियां उपलब्ध करानी होगी और उसके बाद ही विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। फिलहाल विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा या नहीं, उसका फैसला होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट ने सीएम अशोक गहलोत और उनके सहयोगी विधायक मंत्रियों का चैन तो छीन ही लिया है और इसी उठापटक ने बागी और मंत्री और विधायकों को भी परेशान कर रखा है। इस बात की तस्दीक करता है पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का ट्वीट। पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने ताजा ट्वीट में बताया कि काफी वक्त बाद अपने परिवार के साथ उन्होंने वक्त बिताया। विश्वेंद्र सिंह ने ओबेरॉय गुड़गांव होटल में डिनर करने का एक फोटो ट्विटर पर साझा किया। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कोविड 19 रोगियों का समुचित उपचार एवं समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए संभाग व जिलेवार कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना संबंधी कोविड अस्पतालों में कराना सुनिश्चित कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि बनाई गई कमेटियां प्रथम निरीक्षण उपरांत समस्त कोविड चिकित्सा संस्थानों का प्रत्येक 15 दिवस में निरीक्षण करेंगी तथा यदि किसी चिकित्सा संस्थान के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो कमेटियां पुनः तुरंत प्रभाव से निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जोधपुर स्थित स्पेशल यूनिट ने सोमवार सुबह बाड़मेर जिले के पादरू में जोधपुर डिस्काम के एक तकनीकी सहायक और एक दलाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने यह राशि एक हेयर सैलून संचालक से बिजली मीटर में गड़बड़ियों का मामला रफा दफा करने की एवज में मांगी थी। एसीबी में देवाराम ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पादरू में एक हेयर कटिंग सैलून है। इस सैलून पर लगे मीटर में गड़बड़ियां बताकर तकनीकी सहायक नवल किशोर मीणा व कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र सैनी उसकी दुकान पर आए और मीटर खोल कर ले गए। इसके बाद गड़बड़ियों का मामला बताकर उसे रफा दफा करने के लिए मीणा ने देवाराम को फोन कर 20,000 रुपए की मांग की। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से सोमवार को 7 और लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 631 हो गई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के 448 नए मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 36,878 हो गई है, जिनमें से 10,124 रोगी उपचाराधीन है। जयपुर। राजस्थान बोर्ड 10वीं की कक्षा की परीक्षा परिणाम आज जारी नहीं किए जा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड ने बताया था कि राजस्थान 10वीं के नतीजे सोमवार यानी कि आज जारी नहीं हो रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि नतीजे सोमवार को घोषित हो सकते हैं। जयपुर जेल में पिछले दिनों कोरोना के धमाकों के बाद एक बार फिर से जेल में कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना जेल में वापस लौट आया है। इस बार सेंट्रल जेल से शुरुआत हुई है। यहां दो बंदी पॉजिटिव मिले हैं और अब उनके पॉजिटिव मिलने के बाद उनके संपर्क में आने वाले बंदी और स्टाफ को क्वारंटीन किया जा रहा है और साथ ही जांचों का एक नया दौर शुरू करने की तैयारी की जा रही है ताकि इस बार पहले से ही इस पर काबू पा लिया जाए। राजस्थान में संक्रमित मरीजों के साथ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सोमवार सुबह तक मिले 36,878 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 26,123 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 25,050 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है और आज सुबह 169 मरीज कोरोना से रिकवर हुए और 198 को अस्पताल से छुट्टी मिली। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर, बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में उनकी याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की कॉपी नहीं देने को आज विधानसभा सचिवालय में धरना दे दिया। हालांकि धरने के बाद उन्हें स्पीकर के फैसले की कॉपी दी गई, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बागी नेता सचिन पायलट की सियासी लड़ाई हर रोज रंग बदल रही है। बीते दिनों सचिन पायलट के फेसबुक पोस्ट से कांग्रेस का हाथ निशान गायब हो गया, जिसके बाद तमाम तरह की अटकलबाजी शुरू हो गई थी।
आज एक बार फिर पायलट के फेसबुक पोस्ट में हाथ का निशान लुट आया है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बचाने में जुटी हुई है। कई दिनों से विधायक होटल में बैठे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। राज्यपाल ने जब इस मांग को ठुकरा दिया तो कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रही है। होटल फेयरमाउंट मेसी कड़ी में सोमवार सुबह एक प्रार्थना सभा की गई, जहां पर सभी विधायकों ने महात्मा गांधी के भजन सुने। विधायकों के साथ इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। यह जानकारी खुद सीएम अशोक गहलोत ने दी। उन्होंने कहा कि मैंने कल पीएम मोदी से फोन पर बात की और उनको राज्यपाल कलराज मिश्र के बर्ताव के बारे में बताया और साथ ही 7 दिन पहले लिखे खत के बारे में भी जानकारी दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने इजाजत नहीं दी। इसे लेकर सीएम गहलोत और कांग्रेस विधायकों ने राजभवन में धरना प्रदर्शन भी किया था और बावजूद इसके राज्यपाल ने सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दी। राजस्थान की राजनीति में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां विधानसभा अध्यक्ष ने हाईकोर्ट से मिली सचिन पायलट और बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस ले लिया है, वहीं 31 जुलाई से सीएम अशोक गहलोत के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक बार फिर से वापस कर दिया है। राज्यपाल की ओर से प्रस्ताव की फाइल को सवाल उठाए गए हैं और यह दूसरी बार है कि राज्यपाल ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। अनलॉक होने के बाद जयपुर शहर में मिलावटखोरों के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई रविवार रात की गई। कार्रवाई के दौरान मेडिकल की टीम ने साथ ही पुलिस टीम मौजूद रही और कार्रवाई के बाद फैक्ट्री को सील कर मालिक को हिरासत में ले लिया है। मामला विश्वकर्मा थाना इलाके में स्थित मसाला पैकिंग फैक्ट्री का है। पुलिस हिरासत में ले गए फैक्ट्री मालिक से निरंतर पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।